लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस साल की साहित्य परिषद पुरस्कार की विजेता है मिस पूजा ठाकुर। मैं मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से पूजा जी को पुरस्कार दे। दोस्तों, मैं पूजा जी से निवेदन करता हूं कि आपके सामने दो शब्द कहें। आइए पूजा जी। दोस्तों, मेरी किताब को पुरस्कार देकर आपने मेरी यादों को श्रद्धा में बदल दिया है। आजकल हम कठोर होते जा रहे हैं, खुदगर्ज होते जा रहे हैं। हमारे लिए भारत देश सिर्फ एक जगह का नाम बनकर रह गया है। मगर यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके लिए भारत माता एक मंदिर था और उस मंदिर का स्थान उसके दिल में था। मैंने तो सिर्फ कहानी लिखी है, लेकिन उन्होंने इस कहानी को जिया था। भैया हमेशा कहा करते थे, पूजी एक दिन तुम एक बहुत बड़ा अवार्ड जीतने वाली हो और जब उसे लेने के लिए तुम स्टेज पर बुलाया जाएगा तब लोग कहेंगे, पूजा जी आप तो शब्द कहिए। तब तुम सिर्फ दो शब्द कहना, जय हिंद। अब्बा, ये गुनहगार कौन है? हम सब लोग। अब्बा, ये क्या कहानी है? बताओ ना अब्बा, बताओ ना। रात सिर्फ काली नहीं, खून से लाल भी थी। आपने हमारे एक आदमी को गिरफ्तार किया है, मैं उसे लेने आया हूं। जब तक वो अपने गुनाहों के जवाब नहीं देता हम उसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो एक मुजरिम है और सजा उसको मिलनी ही चाहिए। मुजरिम नहीं, मुजाहिदीन, क्रांतिकारी। ये क्रांति और जिहाद की बातों से आप सिर्फ मासूम आवाम को बहका सकते हो, लेकिन कानून की नजरों में आप सिर्फ आतंकवादी हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी जान ले सकता हूं इंस्पेक्टर, मगर वो आतंकवाद होगा, ये जिहाद, जिहाद है इंस्पेक्टर, जिहाद है। हमारे मकसद की पाकीजगी का सबूत चाहिए। अब देखते हैं कि अल्लाह किसके साथ है। हम ये बंदूक मेज पर रखकर इसे घुमाता है, अगर इसकी नली हमारी तरफ रुकी तो आप हमें मार दीजिएगा, और अगर आपकी तरफ रुकी तो
चाचू देखो मैं दोनों वतनों में एक साथ खड़ा हूँ, सरहद मेरे बीच में है। वलियूर, आजादी की कोई सरहद नहीं, यहाँ सिर्फ एक वतन है हमारा। चाचू वो आ गए। पुलिस और नाकाबंदी से तो हमें गुजरना पड़ता है, तुम्हें किस बात की देर हो गई? सच बताऊं चाचू, हाँ, कैंप में बैठे हबीबुल्लाह की बीबीसी पर इंटरव्यू देख रहे थे। कसम से जान है उस आदमी में, उसकी जुबान, उसकी आवाज। बातें हैं बस, हमें जिहाद करना है। सामान पूरा लायो? जितना हबीबुल्लाह ने मांगा था सारा है। चाचू कुछ बात है क्या? कैंप से उन्होंने हुक्म दिया है, वो कहते हैं फिजूल में हम उनके हथियार जाया कर रहे हैं। क्या मतलब है उनका? वो चाहते हैं जितनी गोलियां उतनी लाशें। कितने दिलदार हैं हमारे हमदर्द, कतरा कतरा लहू का भी हिसाब रखते। चाचू घर जाके मेरी अम्मी को सलाम देना, और ये मेरे भाई अफजल को देना, आज उसकी 12वीं सालगिरह है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बरकतुल्ला, सामान सब लोड हो गया? जी हाँ। चाचू सुना है सीकर मोहल्ला में चेक इन होने वाली है। तो क्या हुआ, ऐसे ही मौकों के लिए तो हम आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह, अब तो हमारा जमीर भी हमसे नफरत करने लगा है। अरे ओ बरकत चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। वहां से कोई खबर? नहीं मुन्ना भाई। तुम्हें कितनी बार समझाया है नाम नहीं लेना, ना अपनों में ना उनके सामने, समझे? कभी नहीं। चलो। भाईजान मुन्ना आ गया। तूल सामान, तूल। अबे ओ टेंडर तू सब सामान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम मुन्ना। सब ठीक है ना? जी भाईजान। अब हमें शर्म आने लगी है, जो काम हमें करना चाहिए उसके लिए हम तुम्हें भेजा करते हैं। भाईजान आप जाएं या मैं जाऊं, बात तो एक ही है। मैं लंगड़ाता जरूर हूं भाईजान, पर भटकता बिल्कुल नहीं हूं। समझ गया। और वैसे खुलेआम आप घूम भी तो नहीं सकते ना? हाँ, वैसे भी यहां के पुलिस वाले मेरे चेहरे से कुछ ज्यादा ही वाकिफ। नहीं भाईजान नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है, हमारे जिहाद को आपके वजूद, आपके जहन की ज्यादा जरूरत है इंशाल्लाह। और इन छोटे मोटे कामों के लिए तो हम आपके सिपाही हैं ना। क्या रूमानी सिलसिला है, अपनों में कैदी बनकर हम आजादी की जंग लड़ते हैं, और ये जंग हम जीतेंगे भाईजान, चाहे मेरी जान हो। तुझे कुछ नहीं होगा, परवरदिगार जानता है कि हमारे जिंदगी के दो ही वारिस हैं, एक हमारा मकसद और दूसरा हमारा छोटा भाई। मैं ना तो अपने मकसद के बिना जी सकता हूं, ना अपने दिल के। आओ। तुम सब जानते हो कि कल मिनिस्टर यहां पर आ रहा है, वो जिंदा वापस नहीं जाएगा भाईजान। वो यहाँ इलेक्शन करवाना चाहता है, इस वादी जगह के मौजूदा हालात की तहकीकात करने आ रहा है वो। अगर यहाँ इलेक्शन करवा के क्या फायदा? इलेक्शन करवा के वो ये साबित करना चाहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। अगर यहाँ इलेक्शन हुए तो बाहर के लोग, खास करके इंटरनेशनल प्रेस के लोग सोचेंगे कि हम सो रहे हैं और आवाम जागी है।
लेकिन यहां सब ठीक कहां है? आवाम में दहशत है, वो देखेगा समझेगा और चला जाएगा। नहीं, सरहद पार हमारे दोस्तों ने हमें खबर भेजी है कि मंत्री इलेक्शन के लिए जिद पर उतर आया है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो हम कमजोर नजर आएंगे और ये मुझे गवारा नहीं है। मगर भाईजान, एक छोटा सा इलेक्शन। वक्त की शतरंज को समझो मुन्ना, हमारी जंग हम और मुल्कों की ताकत पर लड़ रहे हैं, जहां से हमें हमारा पैसा, हमारी बंदूकें, हमारी ट्रेनिंग हमें मिलती है। उन लोगों को नहीं लगना चाहिए कि हम ढीले पड़ गए। जितनी गोलियां उतनी लाशें, हथियार सस्ते नहीं देते। चाचू माफ करना हबीब, कभी कभी थोड़ा थक जाता है हौसला भी। यही तो वो चाहते हैं चाचू, हमारी जंग को बातों के मैदानों में ले जाना। बातें, ख्याल, फलसफे, ये सब नामर्दी के हथियार हैं, इनमें हमें ट्रेनिंग नहीं मिली। नूरा, इस ऑपरेशन के लीडर तुम हो गए। ठीक है भाई, तुम्हारे साथ होंगे, साथ जाऊंगा। जबार तुम। ये अच्छा। अशाद तुम। ये अच्छा। सिराज तुम। यूसुफ तुम। अब्बास तुम। जी भाईजान। अफजल तुम। इलियास, इलियास कहाँ है? वो सरहद पार गया है रॉकेट लॉन्चर का सौदा करने। ठीक है, तो फिर इलियास की जगह हबीब, इलियास की जगह मैं जाऊंगा। ऐसे ऑपरेशन का मुझे तजुर्बा है, मुझे जाने दो हबीब। चाचू, इस ऑपरेशन में बहुत खतरा है। कितना खतरा है हबीब? पिछली बार से ज्यादा या अगली बार से कम? हबीब, हम सबका एक एक का अंजाम तय है। अब और इंतजार नहीं कर सकता हबीब। ठीक है चाचू, जाओ। कसिफ, नूरा। जी भाईजान। सबका ख्याल रखना इंशाल्लाह। भाईजान, चाचू को वहां भेजना ठीक रहेगा? तो फिक्र मत कर मुन्ना, जो शख्स हर वक्त अपनी मौत जी रहा हो वो अपना फर्ज बिना जुनून, बिना खौफ निभाएगा। मैं चाचू को जानता हूं। आपने उसके बारे में सोचा है? किसके बारे में? आप अच्छी तरह जानते हैं भाईजान, मैं किसकी बात कर रहा हूं। DIG अजय ठाकुर, वो भी हमारी तरह तैयारी में होगा। DIG अजय ठाकुर। हम दोनों में इतनी दुश्मनी है मुन्ना कि शायद दोस्त बन चुके हैं। मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं और वो भी मेरे बारे में कम नहीं जानता। मगर इस बार मुझे लगता है मुन्ना, बाजी हमारी है। इस कंपाउंड में कितनी पुलिस तैनात की है? 200 सर। बाकी सब बंदोबस्त हो गया? जी सर। और मंत्री साहब का कमरा देखा? देख लिया सर। चलो एक बार फिर देख लेते हैं, वरना अपने बॉस आके कुछ ना कुछ नुक्स फिर निकालेंगे। चलो। बाहर दरवाजे पे 2 संतरी तैनात कर दो और लैंडिंग और कॉरिडोर में 4। अब दुश्मन तो क्या, मंत्री साहब भी कमरे में घुस नहीं सकते। जानते हो मुझे देख के क्या कहेंगे? क्या सब इंस्पेक्टर मुश्ताक चिश्ती? हम तुमसे बहुत खुश हुए, इतने सुरक्षित तो हम अपने घर में भी नहीं थे। जाओ जाओ, पूरा चेक करो। जी सर। और मिनिस्टर साहब मेरा प्रमोशन करवा देंगे, मुझे क्वार्टर्स मिलेगा जहाँ पर मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे। मंत्री जी, खुदा हाफिज। लेकिन मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। साहब जी, आप यहाँ पीछे के झाड़ कटवा दो। जी जी। और इसे बंद कर दो। जी जी। छत पर सब मशीन गन क्यों नहीं है? अभी रखवा देते साहब जी। सुनाओ जी। नहीं कुछ नहीं। क्या बात है साहब जी? सोच रहा हूं कि
ऐसे माहौल में मंत्री जी का यहां आना क्या साबित करेंगे? और हम भी क्या किससे साबित करेंगे? ये शांति का ढोंग रचाने से क्या टेररिस्ट भी ढकोसले में आ जाएंगे? सर, आप हबीबुल्ला के बारे में सोच रहे हैं ना, न जाने आपकी और उसकी दुश्मनी कहां जाके खत्म होगी। जब हबीबुल्ला और उसका भाई मुन्ना हवालात में होंगे। आज क्यों रहे मुस्ताक? मुन्ना, मुझे याद आ गए वो दिन जब मैं नया नया फोर्स में भर्ती हुआ था। अगर उस रात आप मेरे क्वार्टर्स में नहीं आते तो शायद ये मुश्ताक चिश्ती आपके सामने आज जो खड़ा हुआ नहीं मिलता। गद्दार अपने वतन के साथ गद्दारी करता है। गद्दार तो तू है मुन्ना। कुरान शरीफ में परवरदिगार फरमाता है कि मुसलमान जिस सरजमीन पे पैदा होता है उसी का वफादार होता है, वही उसका वतन होता है। मुन्ना को नसीहत करता है हरामजादे, अब भी वक्त है, हमारे साथ आ जा। खबरदार करता रहे हमें पुलिस की चालों से, सवाब मिलेगा। सवाब तो मुझे तब मिलेगा मुन्ना जब मैं अपने वतन पे अपने फर्ज पे कुर्बान हो जाऊं और शहीद कहलाऊं। शहीद तो मैं तुझे करूंगा। जवान, मेरी मौत तेरे हाथ में नहीं है मुन्ना। देखता हूं कौन तुझे मेरी गोली से बचाता है। ये मत भूलना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तूने हबीबुल्लाह के भाई पर गोली चलाई है, मैं हर दिन तुझे याद रखूंगा। हर दिन नहीं मुन्ना, जब तक तू जिएगा हर कदम पर मुझे याद करेगा। सर, मंत्री जी आ गए। शुक्र है यहां तक तो आ गए। वेलकम सर, आइए प्लीज। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू। हम सब आपका स्वागत करते हैं सर। आइए सर। डीआईजी अजय ठाकुर भाई, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, बहुत हिम्मत वाले हो सुना। सर, बहुत खूब। वेलकम सर, आइए सर। हाँ प्लीज चलिए। आइए सर, आइए। सर अगर आप बुरा ना माने तो हमारे होटल का एक रिवाज है। अच्छा सर, अगर आपको एतराज ना हो तो वहाँ हमारे गेस्ट बुक पर दस्तखत कर देंगे प्लीज। क्यों नहीं? नहीं, मिनिस्टर साहब सीधे अपने कमरे में जाएंगे, बुक वहीं पर ले आना। रिलैक्स अजय ठाकुर साहब, आइए। सर अब हमारे होटल में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। हेलो कंट्रोल रूम, देखो
अभी अभी दो मारुति वैन बिना नंबर प्लेट के 6 आदमियों के साथ होटल माउंट व्यू से निकली है। सारे रास्ते सील कर दो। मंत्री जी को कुछ नहीं हुआ ही सैफ। ओवर। साहब जी, मंत्री जी बुला रहे हैं। क्यों? आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अरे इतने टेंशन में भी भाषण देंगे? अगर तुम्हें भाषण सुनना है तो तुम सुनो। मिनिस्टर साहब को कुछ नहीं हुआ। He's all right. He's safe and sound. इस हादसे में हबीबुल्ला का हाथ था? इस हादसे में हबीबुल्ला का हाथ था? मैं पूछ सकता हूँ कि आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? क्या इस हादसे से आने वाले इलेक्शन पर असर होगा? मुझे आपके सवालों का जवाब देने की तनख्वाह नहीं मिलती। यहाँ क्या हो रहा है ये जानने का हक जनता को है। लेकिन मेरे केबिन में इस तरह रेड मारने का हक मैं किसी को नहीं देता। प्लीज गो। वाह, क्या अदा है। इतना बड़ा हादसा हो चुका है और आपको फिक्र है सिर्फ अपनी कैबिन की? आप लोग प्रेस वाले अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, आवाम की आवाज बने फिरते हो और पुलिस की मदद करने के बजाय दुश्मनों का साथ देते हो। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि वो दंगे से ज्यादा दंगे की पब्लिसिटी चाहते? लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? अब जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। जब तक आप मुझे इस हादसे पर स्टेटमेंट नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। फिर तो मुझे आपको हिलाना ही पड़ेगा। चलिए। चलिए। आप प्रेस वाले को हाथ बाहर। चलिए। This is assault and battery. आपको जो करना चाहिएगा। चलिए अभी। चलिए। चलो चाचू, जल्दी करो, बहुत दूर जाना है। चलो देखो भाई लोग, पूरे स्टेट की पुलिस इन गाड़ियों को तलाश कर रही है, इसलिए पैदल ही चलना होगा। चलो। दूरा, अगर तुमने गौर ना किया हो तो मैं तुम्हें बता दूं, जब बार की टांग पर गोली लगी है वो चल नहीं सकता है। मर तो सकता है, लंगड़े घोड़े की इस दौड़ में कोई अहमियत नहीं होती। चलो सिराज, जबार की मदद करो। जबार, हिम्मत था हिम्मत। Anybody home? कोई है? भाई मैं और मेरी भूख दोनों किसी हमदर्द को तरस रहे हैं। कोई है? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? अरे यहाँ क्या हो रहा है ये जानने का हक जनता को है, मतलब मुझे। अपनी बहन को? अरे अपनी बहन के लिए तो अपनी जान भी दे दूं, लेकिन आप जब प्रेस रिपोर्टर बन के आई तो मुझे भी तो डीआईजी बनना पड़ता है ना। पूजी, आज गोलियों की बारिश में तेरी बहुत याद आई। नहीं भैया, रोते नहीं। आ, 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 आ,